हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट को लिस्ट में कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट दी गई होगी, जैसे 4, 7, 3, 5, 9, 8, और हमें एक की दी गई होगी, यानी वो एलिमेंट दिया गया होगा जिसे हमें लिस्ट में सर्च करना है। तो हमारे पास एक लिस्ट है और एक एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है। तो लिस्ट में एलिमेंट सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में एक लूप लगाएंगे। और इस लूप में क्या करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको की से कंपेयर करेंगे। यदि फर्स्ट वाला एलिमेंट की है तो फिर रिटर्न ट्रू कर देंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 को चेक करेंगे 4 से, क्या 9 ए ऑफ 0 है क्या, तो यह नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर चेक करेंगे तो ये भी नहीं है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें जो की है वो चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो 9 है वो लिस्ट ऑफ 4 के इक्वल हो जाएगा। लिस्ट ऑफ 4 क्या है, 9 है और हमारी की भी 9 है। तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। हम फिर बाद में चेक करेंगे कि यह फंक्शन रिटर्न ट्रू कर रहा है या फॉल्स कर रहा है। यदि ट्रू रिटर्न कर रहा है तो एलिमेंट फाउंड प्रिंट करेंगे, और यह एलिमेंट नहीं मिला तो प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका कोड किस प्रकार से करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट क्या थी, यहाँ पर 4, 7, 3, 5, 9, 8 4, 7, 3, 5, 9, 8 और यहाँ पर की क्या थी, 9 थी। तो यहाँ पर हम की 9 रख लेते हैं। अब एक फंक्शन लिखा चेक एग्जिट, और यहाँ पर एक लिस्ट पास कर देंगे और यहाँ पर एक की पास कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और इसकी रेंज क्या होगी, लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर। तो यहाँ पर उसकी हम यहाँ पर लेंथ निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ लिस्ट ए लिस्ट आई डबल इक्वल ऑफ की। यदि ऐसा हुआ तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर लिस्ट में पास कर देंगे लिस्ट जो ऊपर दी गई है, और यहाँ पर की में के में पास कर देंगे की। तो हमारे पास यह फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा और हम इसको चेक कर लेंगे। यदि ये ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड, और यह ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है एलिमेंट फाउंड। अब यहाँ पर हम ये डबल इक्वल की जगह है, यहाँ पर ट्रू को हटा दें दोनों को, जैसे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर वैसे भी जो इफ है वो तभी चलता है जब ये ट्रू होता है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप डबल इक्वल करके ट्रू ही यहाँ पर चेक करें, इसको सिर्फ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यदि वो ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ वैसे भी चलेगा, वरना एल्स चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एलिमेंट फाउंड, यह दोनों प्रकार से वैसे ही बताएगा। तो हम इस प्रकार से इसको कोड कर सकते हैं। अब इसको एक दूसरे प्रकार से भी हम कर सकते हैं, जो लिस्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं उनकी सहायता से। सिर्फ ये तो एक लॉजिक था कि हम किस प्रकार से एलिमेंट को लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। जैसे यदि आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करते हैं तो आपको परेशानी ना आए। वैसे भी हमारे पास पाइथन में और सर कीवर्ड होते हैं जिनकी सहायता से हम ये सभी परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे हमें चेक करना है तो हम एक फिर से वही फंक्शन बना लेंगे,
और इसमें एक लिस्ट पास कर देंगे, की पास कर देंगे। और यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम इफ चेक करेंगे कि के यानी एलिमेंट जो की है वो और एन यानी कि वह क्या है इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। यदि प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो इससे भी यह हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चेक इफ चेक, और यहाँ पर लिस्ट की जगह हम एल में लिस्ट पास कर देते हैं और की में हम पास के में पास कर देते हैं की। एलिमेंट फंग, और इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट नॉट फाउंड। अब हम यदि इसको रन करेंगे तो ये भी उसी प्रकार से वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है एलिमेंट फाउंड। इसको यदि और शॉर्ट में लिखना है तो हम इफ बस सिर्फ इफ एल्स की मदद से भी लिख देंगे। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इफ की इन लिस्ट, यदि की लिस्ट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड, और एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब हम इसको रन करेंगे तो भी हमें यह वही आउटपुट देगा, यहाँ पर फाउंड। इसको रन किया तो यहाँ पर ये देख लीजिए एलिमेंट फाउंड। अब यहाँ पर हम की को यदि चेंज कर लें, जैसे हम यहाँ पर 10 कर दें, तो यहाँ पर ये दिखाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि जो 10 है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर सी प्लस प्लस है, तो कुछ इस तरह की अप्रोच होती है। तो हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। वैसे हम कर तो पाइथन में ये तीनों मेथड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है उसमें हम इस मेथड को ही यूज करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।